हाय, मैं स्प्रूहा जोशी और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पे। हाय स्प्रूहा, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू। फर्स्टली आपका नाम बहुत खूबसूरत है, पहले मीनिंग बता दीजिए। स्प्रूहा इज अ गुड विश। क्या बात है, तो फिर तो विश तो आपको मिली गई है ऑलरेडी। क्रॉस फिंगर्स, लेट्स होप सो कि मिल गई। थैंक यू सो मच, बट वी आर रियली होपिंग कि ये बहुत अच्छा जाएगा रंगबाज फिर से का सीजन। पक्का जाएगा, क्योंकि पहला सीजन तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो इसको देखने के लिए वैसे ही लोग क्रेजी हैं। तो आप बताओ, आपका ये दूसरा वेब सीरीज है, आई गेस ऑफिस था आपका पहले, और अब इसमें तो क्या रोल है और कितना रोल है? और एक्चुअली ऑफिस में एक छोटा सा कैमियो प्ले किया था, और इसमें एक्चुअली बहुत ही प्यारा रोल है। मैं रुक्मिणी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ ये सीरीज़ में, जो कि अमरपाल सिंह, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं जिमी सर, उनकी वाइफ हैं। और बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बहुत प्यारा किरदार है, क्योंकि अमरपाल सिंह के लाइफ में उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट उनकी वाइफ है। और जो भी कुछ उनकी जर्नी है टू नॉर्मल एम्बिशियस राजस्थानी बॉय टू अ क्रिमिनल, नोन क्रिमिनल एंड अ डेडली क्रिमिनल, सो ये जो उनकी जर्नी है, ये पूरी जर्नी में उनकी जो वाइफ है ये रुक्मिणी, वो उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह खड़ी हुई है। उसको पता है कि मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको बहुत कुछ अच्छा करना था, बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना था, खुद को प्रूव करना था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई उनके साथ जो होनी नहीं चाहिए थी, और ही टर्न्ड टू बी अ क्रिमिनल, और द सिस्टम टर्न्ड हिम इन टू अ डेडली क्रिमिनल। सो उसके पीछे उनकी, उनको जो तकलीफ़ है वो रुक्मिणी जानती है, तो उसके दिमाग में पूरा पूरा वक्त यही चल रहा है कि जो कुछ भी हो जाए मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो इतना बहुत बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है। और स्प्रूहा, में ये भी पता चला है कि आप फैन रही हैं जिमी की बचपन से, तो ये तो बहुत ही, मतलब बहुत ही खुशी की बात होगी आपके लिए। वो पहला मोमेंट कैसा था जब आपको पता चला कि आप उनके साथ? पहला मोमेंट, अभी बहुत सारे दिन हो गए, हमने शूट भी किया है पूरा सीरीज साथ में, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव आया है वो फीलिंग में। तो अभी भी मैं उतनी ही स्पीचलेस हो जाती हूँ उनके सामने आने के बाद जितनी पहले दिन पे थी। तो आई एम रियली बिन अ बिग बिग फैन ऑफ हिम, सो फॉर मी इज लाइक ये सरियल है सब, अभी यकीन नहीं हो रहा है कि वाह ये हो चुका है अभी एक्चुअली। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। Did you tell this to him कि आप? No, actually for the first time right now I'm saying this in front of media, so even he doesn't know for the very fact that I am such a huge fan of it. But you should have told na, because आप काम कर रहे हो और वो भी actually होता क्या है ना, जब सामने आ जाते हैं ऐसे कोई तो embarrassing, तो बहुत ही मतलब अब सोच ही नहीं पाते कि आपको exactly क्या बात करनी है उनके साथ। तो फिजूल की हाँ वहाँ की बहुत सारी बातें मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये बात अभी तक मैंने उनसे नहीं कही है। और हमने बहुत कुछ जाना है शूटिंग के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ जी, आपका वो हॉर्स वाला इंसिडेंट, और कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? अभी जब पीछे देखते हैं तो बहुत हंसी आती है, लेकिन उस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन अचानक बहुत बारिश हो गई, तो अर्ली पैकअप करना पड़ा, आरामबाग नाम की लोकेशन पे हम लोग शूट कर रहे थे, और वहाँ से बहुत बहुत कीचड़ हो चुका था वहाँ सब लोकेशन पे, तो चल के जाना पड़ा था पूरे क्रू को, एक दो ढाई किलोमीटर पूरे सारा क्रू चल के गया था। और उस दिन घोड़े आए थे सेट पे, तो किसी ने मुझे बोला आप वैसे भी चल नहीं पा रहे हो तो आप घोड़े पे बैठ जाओ, आपको आसानी हो जाएगी पहुंचने के लिए बाहर तक। तो मैंने सोचा यार ठीक है यार, घोड़े पे किसको चढ़ने को मिलता है वैसे भी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, पहले 5-10 मिनट तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, फिर बाद में फिर घोड़े का भी पैर अंदर जाने लगा कीचड़ में, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए भाई साहब, तो मुझे ऑलमोस्ट फेंक दिया था घोड़े ने नीचे, लेकिन मैं डट के पकड़ के रही हूँ उनके ऊपर, तो फाइनली ऑल वेल दैट एंड्स वेल आई थिंक। सो जी जी बहुत ही सॉलिड था, मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इतने जल्दी फिर से कभी भी घोड़े पे नहीं बैठूंगी। और हमने ये भी सुना है कि डायरेक्टर आपके भाई, जैसा कि हमें बताया गया आपके भाई जैसे हैं, वो तो कितना ईजी था उनके साथ काम करना फिर इस रिलेशन के बाद? सचिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, एक्चुअली मेरे भाई हैं वो, तो मैं कॉलेज के दिनों से मेरे उनको जानती हूँ, तो एक्चुअली फॉर मी
बहुत ही प्राउड मोमेंट था क्योंकि एक इतने बड़े यूनिट का वो डायरेक्टर है और सब इस तरीके से उनकी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बिकॉज इवन ही हैज़ फाउंड हिज वे थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो मैंने बहुत करीबी से उनका वो स्ट्रगल देखा है. तो उनका भी हिंदी में ये डेब्यू प्रोजेक्ट है एज अ डायरेक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जो उनका डेब्यू प्रोजेक्ट है. तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट है ये मेरे लिए क्योंकि बहुत सालों से उनको पहचानती हूँ, लेकिन इस तरीके से जब अपने दोस्त के सामने एज एन एक्टर खड़े रहते हैं तब पता चलता है कि उसने कितना कुछ अचीव किया है उसके करियर में, क्योंकि इतनी अच्छी कमांड है उसकी अभी ये सेटअप पे, उसके क्राफ्ट पे. उसको एग्जैक्टली पता था उसे किस तरीके से ये प्रोजेक्ट रन करना है और सभी एक्टर्स के पास जाके उनके साथ बैठ के जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करता था हर एक सीन. और मैं तो बस यही सोच रही थी कि यार एक बंदा अपने करियर में इतना ग्रो हो चुका है वो, एंड इट वाज वंडरफुल टू वॉच हिम डायरेक्टिंग ऑन द सेट. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम. रणबाज जैसा कि सबको पता है बहुत हिट रह चुका है, कितना प्रेशर है अभी आपके ऊपर, नर्वसनेस है या क्या लगता है? प्रेशर नहीं है, नर्वसनेस ऑफ कोर्स है जो हर एक प्रोजेक्ट पहले होती है क्योंकि हम लोग तो अपना काम कर चुके हैं अभी, बाकी सब तो ऑडियंस के हाथ में है जो कुछ भी होना है वो. लेकिन इतनी श्योरिटी हम सभी को है रंगबाज परसे के टीम में, जो जो लोग शामिल है, आई थिंक मैं उन सबकी तरफ से ये बात कह सकती हूँ कि बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने ये प्रोजेक्ट पे और बहुत लगन से बहुत बहुत दिल से काम किया है सबने. तो एक ब्यूटिफुली रिटन स्टोरी है, एक ब्यूटिफुली रिटन कथा है और बहुत ही प्यारे तरीके से शूट की गई है ये स्टोरी. और मुझे यकीन है कि हर एक जो ऑडियंस है ना उनको बहुत कनेक्ट होगी ये स्टोरी, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यार जो हैशटैग हम लोग बोल रहे हैं नॉट बॉर्न ए क्रिमिनल, ये कितनी सच बात है कि एक ऐसा बंदा जो शायद हम में से ही कोई हो सकता था या एक बहुत बड़ा नाम बन सकता था अपनी एम्बिशन के तौर पर, लेकिन उसके आसपास के सिस्टम ने उसको वो बनने नहीं दिया और उसमें से एक क्रिमिनल पैदा हो गया सडनली. तो आई थिंक ये बहुत ही टेंडरली और टचिंग ऐसी कथा है, तो आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगी. पूरा मराठी में तो आप कमाल कर चुके हो, सिनेमा से लेके थिएटर से लेके सीरियल से लेके सब कुछ. हिंदी में आप जब आए तो आपको लगा कि थोड़ा चेंजेस हैं, थोड़ा टेक्नीशियंस या टेक्निकली जो भी है कुछ चेंजेस लगे आपको? टेक्निकली चेंजेस है ऐसे मैं नहीं कह सकती क्योंकि मराठी में बहुत अच्छा काम अभी हो रहा है. तो देर इज़ अ वंडरफुल कंटेंट विच इज़ बीन शॉट राइट नाउ इन मराठी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स एंड टू वर्क इन सम एमिनेंट प्रोजेक्ट्स इन मराठी. लेकिन आई थिंक स्केल बड़ा है क्योंकि हिंदी बोलने वाले समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो वो स्केल बढ़ जाता है और ऑब्वियसली उससे बहुत बहुत बदलाव आता है एक प्रोजेक्ट जब बनता है तब. तो मेरे लिए खुशी की बात यही है कि मराठी में इतना काम करने के बाद और अभी फ़िलहाल भी मैं जब काम कर रही हूँ ये इंडस्ट्री में, तभी साइमल्टेनियसली मुझे एक हिंदी का इतना अच्छा प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने को मिला है जहाँ पे मैं खुद को एज एन एक्टर भी बहुत अलग तरीके से आजमा के देख सकती हूँ. अभी हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा आपका, आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो कभी सोचा इसमें अपना करियर या कुछ अगर हिंदी में कुछ मौका मिले आपको सिंगर बनने का? जी नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, लेकिन मैं बाथरूम सिंगर हूँ. मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैं गाने सुनती रहती हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ. बट कोई ऐसा गाना जो आपको फेवरेट है और हमको थोड़ा सा सुना सकती हैं आप अगर? बिकॉज अरे अभी सुन के आए तो योर वॉइस इज एक्चुअली वेरी नाइस. एक चार लाइनें जो मेरा फेवरेट गाना है. कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की है लड़ियाँ, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियाँ, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियाँ. क्या बात
थैंक यू। बाथरूम सिंगर इतनी खूबसूरत है तो फिर धमाल कर देंगे आप। थैंक यू। और आपके कोई अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपने क्या साइन किया है अभी नेक्स्ट? कुछ एक दो तीन स्क्रिप्ट्स पे काम चल रहा है जो बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी सी, अगेन सम वंडरफुल स्टोरीज, आई एम वर्किंग ऑन इट। देखते हैं अभी कैसा वर्कआउट होगा। फिलहाल तो पूरा ध्यान रंगबाज फिर से पे ही है क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो फिलहाल तो पूरा ध्यान वही पे है। तो अब आपके नए फैंस बनने वाले हैं, हिंदी जगत में भी आपकी नई दुनिया एक क्रिएट होने वाली है, तो उन फैंस के लिए या जो फैंस हैं ऑलरेडी उनके लिए कोई मैसेज होगा आपके लिए? क्या कहूँ, इतना सारा प्यार, इतना ढेर सारा प्यार अभी तक आप लोगों ने दिया है, बस ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, और हमारी तरफ से भी ढेर सारी विशेस। थैंक यू सो मच, एंड रंगबाज फिर से इज रिलीजिंग ऑन 28 दिसंबर ऑन Zee5। थैंक यू।